हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है प्लीज डिटेक्शन एंड उसे कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले फ्लीज होती क्या है? फ्लीज स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट होता है, वो पॉपीज या डॉग के ऊपर आ जाता है और उससे पॉपीज को बहुत ज़्यादा इचिंग होना चालू हो जाता है। ये सबसे पहला क्ल्यू है कि पॉपीज या डॉग को फ्लीज या टिक्स हो गए हैं। तो उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए रिगार्डिंग बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आती है, लाइक पाउडर्स हो गई, स्पॉटन सॉल्यूशंस हो गए, सम टैबलेट्स हो गए। तो अब मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एस फॉर पपीज पाउडर्स या स्पॉटन सॉल्यूशंस। एंड जो बड़े डॉग्स होते हैं उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टैबलेट्स ऑल्सो एंड स्पॉटन सॉल्यूशंस ऑल्सो। तो अभी आज हम हमारे पपीज के लिए हम स्पॉटन सॉल्यूशन यूज करने वाले, और जो कि डॉक्टर ने ऑलरेडी हमें रिकमेंड किया है कि आप पाउडर यूज करें या स्पॉटन सॉल्यूशन यूज करें। तो हम अभी स्पॉटन सॉल्यूशन यूज करने वाले हैं। जो स्पॉटन सॉल्यूशन होता है वो भी एज पर पपीज की जो वेट होता है उसके रिगार्डिंग वेरी करता है। तो अप टू 10 kg जो होता है उसके लिए अलग से आता है, 10 टू 20 kg के लिए अलग से आता है, और अबव 20 kg के लिए अलग से स्पॉटन सॉल्यूशन आता है, वो भी एज पर पपीज वेट उसको दिया जाता है। जो स्पॉटन सॉल्यूशन है वो हमने हमारी पपी के लिए लगाए, ये अप टू 10 kg के लिए है। तो अब अभी हम ये यूज करने वाले हैं हमारे जॉय के लिए। तो और ये स्पॉटन सॉल्यूशन है मोस्टली नेक पे लगाया जाता है, और ये जब हम नेक पे डालते हैं अप टू 24 आवर्स लगते हैं उसके पूरे बॉडी में ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि बॉडी के पपी के बॉडी में जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो ये सारा सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरे बॉडी में फैला देते हैं। तो अभी हम अभी ये स्पॉटन सॉल्यूशन यूज करेंगे जॉय के ऊपर। तो अभी देखते हैं हम ये कैसे वर्क करता है। जो ये स्पॉटन सॉल्यूशन है तो अब ये हम यूज करने वाले हैं। तो ये मोस्टली हमें पूरा लगाना होता है, पूरा सॉल्यूशन पपी के नेक पे हमें डालना है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। सो अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो जस्ट हेयर साइड में कर लेना है, और उस जो स्किन दिखने लगे तब हमें वो डॉट्स वहाँ पे रखने हैं। सो जस्ट एक जगह पे सॉल्यूशन ही लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा नेक पे हम लगा रहे हैं। तो गाइस, अभी हमने जो कि नेक पे अभी उस वाटर सॉल्यूशन हमने यूज किया है, अभी अराउंड 24 आवर्स लेगा वो पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, और 2-3 डेज के लिए हमें उसको पानी से बचा के रखना है। तो हमें इसको गीला नहीं होने देना है। तो वो स्पॉटन सॉल्यूशन वर्क करने लगेगा और सारे प्लीज उसके बॉडी से निकल जाएंगे। तो गाइस, अब हमारा वीडियो ये भी खत्म करते हैं। ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।